आज हम बनाएंगे चिकन मैक्रोनी। चिकन मैक्रोनी कैसे बनाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें उसमें डालते हैं, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने पानी गर्म करने के लिए रखा है मैक्रोनी को उबालने के लिए, तो पानी जो है गर्म हो चुका है, या देख ले। अब इसमें डालेंगे तकरीबन आधा चम्मच चाय वाला नमक का, देख ले। और ये एक पाव है मैक्रोनी जो पकाएंगे, वो डालेंगे इसको पानी में, अगर ये गल जाए। जो डाल दिया अभी इसको थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि आपस में चिपक न जाए, इसको खुला रखेंगे। और उसके बाद इसको देंगे ढक्कन और 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। मैक्रोनी जो है बिल्कुल गल चुकी है और उसको हमने छानी में निकाल लिया है। और इधर जो है 100 ml के करीब ऑयल है, एक अदद प्याज है। अभी इसको प्याज को करेंगे ब्राउन, और उसके बाद जो है प्याज जब तक ब्राउन हो जाए तो इसी में ऐड करेंगे ये एक पाव चिकन है, छोटी छोटी बूटियाँ इस तरह आपने बना लेनी है, छोटी छोटी बूटियाँ ये डालेंगे और उसको भूनेंगे। अभी जो इसमें डालेंगे काली मिर्च की थोड़ी सी, और थोड़ी सी लाल मिर्च, तकरीबन 1/4 चम्मच चाय वाला। और इसको भूनेंगे अच्छी तरह। प्याज भी बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, तकरीबन आधा चम्मच। अभी डालेंगे इसमें टमाटर, तकरीबन 3 अदर टमाटर हैं वो डालेंगे, और इसको करेंगे मिक्स। और उसको देंगे 5 मिनट के लिए ढक्कन ताकि टमाटर जो है अच्छी तरह गल जाए। पांच मिनट के बाद इसका ढक्कन उतारेंगे, टमाटर जो है बिल्कुल गल चुके हैं। उसके बाद लहसुन है तकरीबन 2 पीस वो डालेंगे, और उसको घुमाएंगे थोड़ा सा उस तरह, थोड़ा सा कूटेंगे, ये देखें इस तरह टमाटर जो है गल चुके हैं बिल्कुल, देखें इस तरह आपने कूट लेना है थोड़ा सा। उसके बाद जो है ये चिकन मसाला है 1 चम्मच ये डालेंगे, और इसको करेंगे मिक्स। सालन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी जो है थोड़ा सा धनिया डालेंगे और उसको करेंगे मिक्स। सालन जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अभी जो है इसमें डालेंगे मकरूना, ये है मकरूना, ये डालेंगे। मकरूना डालेंगे, अभी जो इसको करेंगे मिक्स इस तरह, आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह।
को जो हमने मिक्स कर दिया है और उसको 2 मिनट के लिए देंगे ढक्कन। 2 मिनट के बाद इसका ढक्कन उतारेंगे। मैकरोना जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये देखें बिल्कुल। अगर इसको थोड़ा सा घुमाएंगे और करेंगे मिक्स, इस तरह आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद जो है इसको करेंगे डिश आउट। मैकरोना को जो हमने डिश आउट कर दिया है और इसको गार्निश करने के लिए थोड़ा सा डालेंगे धनिया। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा।